जी। सबसे सम्मानीय तो मैं आज कहना चाहूंगा मेरा स्टूडेंट ही है प्रथम, कि वाकई में इसने जो प्रतिष्ठा पाई है, जो प्रसिद्धि पाई है, उसको देख के तो मैं भी इससे घृणा करने लगा हूँ। मेरे को इतना सम्मान कहीं नहीं देते हैं, जबकि मेरा तो 42 साल का एक्सपीरियंस है। तो प्रीतम तो पता नहीं कहाँ पहुंचेगा और भविष्य में। और वाकई में आप सब भी इतने अच्छे हैं, इसी कारण से आप अपने टीचर को सम्मान दे रहे हैं। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जब भी एजुकेशन की बात आती है, एजुकेशन में चार बहुत चीजें हैं, आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैं भी छठी क्लास में तो मैंने ABCD सीखी थी और मैंने वर्ल्ड के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट तक मैं पहुंचा हूँ। और इन 42 साल में कोई ऐसा पद नहीं जो मैंने शिक्षा का, कोई ऐसा पद नहीं जिस पद पे मैं कार्य नहीं किया हूँ मैंने। इसलिए आप लोग को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये मैं जानता हूँ। और संसार जिस तरीके से एजुकेशनिस्ट के लिए बढ़ रहा है, वो वाकई में बहुत अच्छा एक रास्ता मिलेगा। और आप लोग बहुत ही अच्छे एक सेफ हैंड में है। मैं देख सकता हूँ कि आप NCA से RCA जाने की मत सोचो, NCA से बहुत आगे स्टडी अब्रॉड जाने की सोचो और ये देखो कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। मगर हमेशा आप ध्यान में रखना कि एजुकेशन के चार इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। पहला एजुकेशन को हम इंटेलिजेंट पार्ट कहते हैं, जिसमें आप बेसिक्स, फंडामेंटल, थ्योरी एंड प्रैक्टिस जो प्रीतम सबको पढ़ाता है, वो सारी की सारी चीजें आप सीखते हो और अपने आप को एक अच्छा चतुर और एक अच्छा व्यक्ति बनाने की कोशिश करते हो। चालाक नहीं, चतुर मैंने शब्द यूज किया है, चालाक नहीं बनना है एजुकेशन के द्वारा, इंटेलिजेंट एजुकेशन से नहीं। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो मेरे को भी खुशी हुई जब मैं वहां कोने पे बैठा हुआ था, मैंने देखा कई छात्र जो आए थे टी शर्ट भी पहन रखी थी, उनका बिल्डअप, उनका जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी इंप्रेसिव थी। हमारी बच्चियों की भी, बेटियां भी बहुत सारी आई थी, निकली थी। ये आप मेंटेन रखना। आपका जो दूसरा बहुत बड़ा पहलू होता है जो एजुकेशन में अक्सर हम नहीं पढ़ाते हैं, वो फिजिकल एजुकेशन होती है। फिजिकल एजुकेशन में क्या है कि आपको खाना, रेस्ट करना, आपको लेजर टाइम में, आप भी, आप सबका लेजर टाइम है जब आप एंजॉय कर रहे हो। मैंने देखा कि जैसे ही प्रीतम स्टेज पे आया, मैं देखो भाई प्रीतम भाई आप नाराज मत हो ना, मेरे लिए तो तुम स्टूडेंट हो, मगर मैं तुम्हारी प्रसिद्धि देख के वाकई में कायल हो गया हूँ। मान के मैं भगवान से ये विनती करता हूं कि आपको 100 साल से भी ज्यादा उम्र दे। शिक्षा के क्षेत्र में आप अपना परचम बढ़ाते जाएं और ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करते जाएं, यही मेरी एक बेस्ट विशेष है इस ओकेजन में आपके बर्थडे पे। होती है उसमें आपको क्या खाना है, कब खाना है, कैसा खाना है, कितना खाना है, इसके अलावा क्या रेस्ट करना है, कब रेस्ट करना है, कितना रेस्ट करना है और किस तरीके की एक्सरसाइज करनी है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, कब करनी है और कैसे लेजर टाइम में एंजॉय करना है। आपके लाइफ में फन भी होना चाहिए, जॉय भी होना चाहिए, ब्लिस भी होना चाहिए और हैप्पीनेस भी होनी चाहिए। अक्सर ये देखा गया, आप, मैं जब चाइना की रिपोर्ट पढ़ता हूँ तो मेरे को बड़ी खुशी होती है कि हमारे हिंदुस्तान देश में हमारे जो युवा हैं, हमने तो बाहर कर दिया है, चाइना को भी पीछे कर दिया। और क्योंकि जो ये हम जिस तरह से डेमोग्राफिक डिविडेंड हम देख रहे हैं, वो हो सकता है पूरे विश्व में एक आप सब जगह स्थान देंगे, मगर उसके लिए फिजिकल एजुकेशन बहुत जरूरी है। और आप ये देखें कि आपके सर, आपको फ्यूचर की कोई एंजाइटी नहीं होनी चाहिए और पास्ट वरीज भी भूल जाओ, कहां से आए, क्या हुआ। जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया था, 6th क्लास तक तो मैंने ABCD नहीं सीखी थी और उसके बाद मैं वर्ल्ड के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर मैंने वहां पर भी टॉप किया। तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप मेरे से तो जब आपको कंपेयर करेंगे, आपके पास हर
है, हमें तो उस समय ऐसी कोई संस्था ही नहीं मिलती थी, ऐसे प्रीतम जैसे हमारे टीचर ही नहीं मिलते थे कि जो हमारे को इतना एजुकेट कर सके और ऐसे स्टेज पे लाके 11,000 का अवार्ड भी दे सके। तंगी हालत में हमने अपनी एजुकेशन करी, इसलिए दूसरी चीज आप फिजिकली एजुकेशन आप जरूर मेंटेन करें, और तीसरी बहुत बड़ी एजुकेशन होती है जिसको हम कहते हैं इमोशनल एजुकेशन। मेरे को एक टीचर आए थे, मैं नाम भूल गया, शायद हिंदी के थे वो, उनको देखते मैं इतना इंप्रेस हुआ कि स्टेज पे आने से पहले उन्होंने मां सरस्वती के पांव छुए थे और उन्होंने हाथ धड़ लगा के आगे बढ़ती है, वो सब एंटरप्रेन्योर बन रही है।
और गुरु का देखते हैं। और आजकल कोई भी किसी भी मामले में लड़का और लड़की किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि लड़कियां और अच्छा काम कर रही है। मेरे को केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक बार मौका मिला था और वहां कन्वोकेशन एड्रेस किया था। अभी मैं 5 तारीख को मैं अकोला यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, मैं वापिस वहां भी पुनः ये गणना करूंगा कि वाकई में कितनी छात्राएं हैं जो कि गोल्ड मेडल ले रही है। आप सब यकीन नहीं करेंगे कि केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 99% गर्ल्स ने हमको गोल्ड मेडल लिया था। एक लड़का आया था हमारे गवर्नर साहब हमारे पास खड़े थे, मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हुआ उसको मैंने गोली मोटा लिया। मैंने कहा कम से कम तेरे को ध्यान रखिए। इसलिए मैं सारे स्टूडेंट्स को आप सबको यही कहना चाहूंगा, कंपटीशन है लाइफ में, हेल्दी कंपटीशन रखें और आगे बढ़े, बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और एग्रीकल्चर में अब आप ये देखें, जब इंजीनियरिंग की भी बात होती है एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी, बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस शुरू हो गई है जिसके कारण आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। वेटनरी भी देखा जाए तो वो भी एग्रीकल्चर का पार्ट ही है, और साथ में फिशरी देखा जाए वो एग्रीकल्चर का पार्ट है। आज 13 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है मेरे अंदाज से, डॉक्टर साहब लखनऊ साहब यहाँ बैठे हुए हैं। मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर के अंदर अंडर ग्रेजुएट में 13 कोर्सेज है, डिफरेंट डिसिप्लिन है, और उसके साथ पोस्ट ग्रेजुएट की जब बात होती है एमएससी की तो हमारे पास 85 कोर्सेज है, और जब पीएचडी की बात होती है तो हमारे पास 110 कोर्सेज है। और वो हमारे युवा अध्यापक नेतृत्व में ये विनम्र उठाया है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। और एक बहुत ही अच्छा स्लोगन लिखा कि एनसी का सपना हर जगह मेरे को अपना कृषि दिखा दे रहा है, और भाग ये सब आप सबके साथ मैं ज्यादा समय नहीं हुआ क्योंकि आज का समय तो अच्छा दूसरा करने का समय है। आप सबको एनुअल फंक्शन है आपका, और सबसे बड़ी चीज है कि हमारे प्रीतम सर, जैसे मैंने देखा आप लोग बिहार में गए थे, बिहार में जो खान सर है उनका जिस तरह से बात होती है और जिस तरह से होना होता है, मैं सोचता हूँ आज हम 1-2 साल में वो खान सर की भी छुट्टी